हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों में देखिए, ये 16 एम्पियर के सॉकेट्स हैं। ये देखिए, इसका सॉकेट जल चुका था और शीट भी टूट चुकी थी, तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इस तरह से ये जल चुका था और मैं इसमें आपको बताऊँ किस तरह से आप इसमें सॉकेट नया और शीट डाल के किस तरह से इसकी वायरिंग कर सकते हैं झटपट, और आप घर पर ही बिना दिक्कत परेशानी से एक बोर्ड तैयार कर सकते हैं 16 एम्पियर सॉकेट में, यानी डबल सॉकेट में। इस तरह के बोर्ड रनिंग है, इस तरह के बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें करना यह है कि हम फेस दे देंगे सॉकेट में। और दोस्तों एक बात और, आपको 16 एम्पियर के सॉकेट में 2.5 mm का वायर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका सॉकेट भी ना जले और वायर भी ना जले। होता यह है अक्सर दोस्तों कि हल्का वायर इस्तेमाल करने की वजह से हमारा वायर तो जलता ही जलता है, हमारा सॉकेट भी जल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना यह है, हम देंगे दोस्तों सबसे पहले दोनों सॉकेटों में फेस, दोनों सॉकेटों में दोस्तों हम फेस दे देंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें। उससे दोस्तों होगा ये कि हम किसी भी तरह की अगर वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों देखिए, हमने फेस दे दिया दोनों सॉकेटों में। अब दोस्तों हम देंगे न्यूट्रल। हम दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्किप ना करें दोस्तों, जिससे कि आप कुछ भी मिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम दे रहे हैं न्यूट्रल। ये देखिए दोस्तों, हमने इस सॉकेट में दे दिया न्यूट्रल। दोस्तों हम दे देंगे दूसरे सॉकेट में भी न्यूट्रल। अच्छा वायर लगाएं, अच्छे सॉकेट लगाएं और अपनी मेहनत को बरकरार रखें, अपने बोर्ड को लॉन्ग लाइफ चलाएंगे इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो। बहुत आसान तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं जिस तरह से हम बताते हैं। ये दोस्तों देखिए, हमने दोनों सॉकेटों में न्यूट्रल और फेस दे दिया है, लेकिन दोस्तों हमें अब इसमें मेन लाइन देनी बाकी है। वो हम कैसे देंगे, वो हम आपको बताए देते हैं कि हमें मेन लाइन कैसी देनी है। ठीक है, ये देखिए, हमने ये न्यूट्रल और फेस दोनों में दे दिया है। अब हमें देनी है मेन लाइन, तो मेन लाइन हम देंगे सबसे पहले फेस। वो हमें कैसे देना है वो हम आपको बताए देते हैं। ये देखिए, हमने फेस के लिए ले लिया है वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फेस दिया था इस वाले सॉकेट में, ठीक है, तो हम वहीं पर ये मेन लाइन जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हम मेन लाइन इसमें फेस में जोड़ दिए है। हमने आपको इस वीडियो में दो चीज़ें बताई हैं कि बोर्ड की वायरिंग किस तरह से करेंगे और बोर्ड में न्यूट्रल और फेस हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए, हमने जहां पर फेस आपको बताया था कि हमने यहां फेस दिया है सॉकेट में, हमने वहां पर मेन लाइन का फेस, यानी कि जो टेस्टर से अगर आप चेक करेंगे तो जो फेस आता है, जो लाइन आती है, वो हमने जोड़ दी है। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया फेस और यहीं से ये दूसरे सॉकेट को चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब देना है हमें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमें किस जगह देंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सॉकेट में से हम दूसरा पॉइंट जो हमने कसा था न्यूट्रल, उसको भी हम इस तरह से खोल लेंगे और उसमें भी दोस्तों हम ये देखिए न्यूट्रल के लिए वायर जोड़ लेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, हमने जहाँ पर न्यूट्रल दिया था वहाँ पर ही हमारा जो मेन लाइन का न्यूट्रल है, जो हमारी मेन लाइन आ रही थी, हमने फेस जोड़ दिया। अब मेन लाइन का ही जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल इसमें जोड़ देंगे। ये देखिए, मेन लाइन का हमने न्यूट्रल और फेस दोनों जोड़ दिया है। दोनों सॉकेटों में न्यूट्रल और फेस, ये देखिए फेस चला गया
और देखिए ये हमारी मेन लाइन की वायर है, ये हम अगर एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाते हैं तो इसमें हम 3 पिन प्लग या 2 पिन प्लग लगा सकते हैं, और अगर लाइन में जोड़ना है तो लाइन में हमारा जहाँ न्यूट्रल हो न्यूट्रल में न्यूट्रल और फेस में फेस जोड़ दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें, और दोस्तों हम आपको इसे अब चेक कर बताएंगे किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, 2 सॉकेट वाला बोर्ड है ये, और बहुत आसान तरीके से हमने वायरिंग बताई है, और दोनों हमारे सॉकेट हैं डायरेक्ट। ये देखिए ये हमारा सॉकेट काम कर रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, और यही हमारा दूसरा सॉकेट भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।